गाइस ये वेलकम बैक के सभी लोगों का शुभ एकदम ब्रांड वीडियो के अंदर। और आज हम लोग जाने वाले वापस से फ्लीट किंगडम में। लास्ट टाइम अगर तुम लोगों को याद होगा हम लोगों ने वहां पर एक बहुत बढ़िया शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट बनाई थी। आज उसी के अंदर हम लोग एक बहुत मस्त चीज बनाने वाले। तुम में से बहुत सारे लोगों ने गेस भी कर लिया होगा कि हम लोग क्या करने वाले। तो यस, जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर देना, 100 के लाइक का गोल है, तो फटाफट जाओ और लाइक वाला बटन तोड़ दो। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब करना गाइस, 5 मिलियन के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका है। आई थिंक खाली 3 लाख सब्सक्राइबर बचते हैं, जल्दी से कंप्लीट करा दो। बाकी चलो चलते हैं फटाफट से फ्लीट किंगडम के अंदर और बनाते हैं एक स्टैचू। गाइस हम लोग आ चुके हैं वापस अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर। और सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं, अपनी लाइटर पहन लेते हैं दोबारा से। और लास्ट टाइम हम लोगों ने भाई इतना बढ़िया ये लाइक म्यूजियम टाइप का बनाया था, वॉर म्यूजियम, जिसमें हम लोगों ने अपने सारे के सारे आर्म। और ये भाई क्या लग रहा है, देख रहे हो, नेक्स्ट लेवल एकदम। भाई मैंने क्या सोचा पता पता है क्या, ये जो बुक्स रखी हुई है ना इनके सामने, इससे ऐसे लग रहा है कि जैसे कैसे बताऊं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लिखा होगा इसके अंदर जो इनके बारे में होगा, जो आर्मर के बारे में होगा, समझ रहे हो ना। जैसे हम लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं लाइक ऐसा बुक के अंदर ना कि दिस आर्मर वॉज, जैसे रुको एक मिनट, जैसे ये हो गया दिस आर्मर वॉज टेकन इन अ वेरी डेंजरस डेजर्ट टेम्पल विद 1000 scorpions and millions of snakes guarding it। बहुत बढ़िया, ये इसीलिए तो इंग्लिश के टेस्ट में हमेशा फेल हुआ था मैं। ये देख रहे हो कितना कूल हो गया। देखो अब देखो कोई ये लेगा ड्यून आर्मर। इसकी क्या हिस्ट्री हो सकती है दोस्तों, आओ पढ़े। दिस आर्मर वॉज टेकन इन अ वेरी डेंजर। तो यस, ऐसे करके सारे आर्मरों की हम लोग हिस्ट्री लिख सकते हैं और यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। ओके, इस आर्मर में कोई वही नहीं है। हम लोगों को अभी भी भाई 8 आर्मर और जमा करने हैं। आई नो मुझे पता है, इससे पहले कि तुम लोग बोलना शुरू करो हमें 8 आर्मर और जमा करने हैं, वो हम लोग गारंटीड करेंगे। बट अभी के लिए जो हमारे हाथ में एक बड़ा टास्क है वो क्या है मैं बता देता हूँ। देखो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल है अभी के लिए कि मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड ना सबसे खतरनाक सबसे कूल लगे दिखने का, ठीक है। बस मेरा यही गोल है और इसी के लाइक इसी के अराउंड में अभी काम भी करने की पूरी ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग इतने प्यारे प्यारे वूली स्लाइम ये सब काम कर रखे हैं, जो कि लाइक कैसे बताऊँ तुम लोग को हर एक सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती है। तुम समझ रहे हो, देखो ये देखो, तुमने देखा है किसी के पास इतना प्यारा स्लाइमी, इतना प्यारा वूली ये सब। और ये बाय द वे ये वूली आज हमारी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, ठीक है ना। तो और बाकी ये देखो ये प्यारे प्यारे पॉन्ड्स, ये प्यारी प्यारी आँखें, तुरुरु ये गोरे गोरे काल, तुरुरु ये हिरनी जैसी नजरें, तुरुरु ये सुअर जैसी चाल, तुरुरु ए पीछे गा रहा हूँ भाई, ओए पीछे देख, ओए सुअर भाई पीछे गा रहा हूँ मैं, इधर इधर पीछे पीछे पीछे, अरे यहाँ तो देखो सर। हेलो हेलो सुअर भाई क्या चल रहा। अरे मैंने कहा क्या चल रहा, कैसे हो, नाराज तो नहीं हो ना पिछली बार वाली बात से, याद दिला के गलती कर दी भाई। इसके एक चाचा वाचा थे उसको मार दिया था, फूड नहीं था बहुत टाइम से, तो इसकी वजह से सॉरी भाई, गलती हो गई यार। भाई वो तो पीछे भी नहीं पलटा भाई, वो भाग वो, अरे वो रहा, वो देखो छुप रहा था मेरे से, देख रहे हो, इसको लगा मैं देख नहीं पाऊंगा। अबे ये क्या कर रहा है यहाँ पे। चलो अभी के लिए देखो ये हमारा वर्ल्ड बहुत ज़्यादा मस्त लगता है, मैं तो तुम्हें झूठ भी नहीं बोलूंगा भाई, सच्ची में मजाक से हट के मेरे को, मैं मजाक नहीं करूँगा, स्टार्टिंग में मेरे को मेरा वर्ल्ड बिल्कुल पसंद नहीं आता था, बट अभी के लिए भाई मेरे हिसाब से द बेस्ट सर्वाइवल वर्ल्ड तो हमारा सर्वाइवल वर्ल्ड है भाई। तुम मानो ना मानो फ्लीट किंगडम इज द बेस्ट अभी के लिए भाई। भाई इसको क्या से क्या बना दिया भाई, तुम मजाक से हटके इसकी 5 से 6 5 6 भी नहीं 10 वीडियो पहले भी तुम लोग देख लेना भाई, ये कासल बनने से पहले की वीडियो देख ले, चलो उससे थोड़ा और पहले की वीडियो देख लेना जिसमें मैंने रेनोवेट नहीं करा था, उससे पहले की वीडियो देख लेना। और उसके बाद देखो भाई धीरे धीरे करके इसमें कितना सारा काम करा मैंने। हाँ बीच में मेरा थोड़ा सा ध्यान भटक गया था यार, मैंने थोड़ा बहुत काम करना इसमें बंद कर दिया था। बट यस अभी देखो ये कितना ज्यादा कूल लग रहा है, देख रहे हो थोड़ा डेप्थ है, थोड़ा ऐसे देख रहे हो स्टेयर्स है, अलग अलग चीजें, अलग अलग टाइप के पेड़ है, फिर ऐसे करके एक प्यारा सा कासल है, फिर यहां पर इतना बढ़िया पोर्टल है, हाथ निकल रहा आधा नेदर आधा वो। लेकिन आज हम लोग क्या करने आए फ्लीट भाई, फ्लीट भाई मुझे समझाओ हम क्या करने आए हैं। हां हाँ देखा वो भी कह रहा है, हाँ बताओ। तो यस यही मेरा कहने का मतलब है, अगर तुम लोगों को याद होगा जिस टाइम पे हम लोगों ने ये मार्केट डिस्ट्रिक्ट बनाया था जहां पर हम लोगों के सारे विलेजर्स कुछ ना कुछ बेचते हैं,
जिससे मैं अभी कुछ खरीद नहीं रहा हूँ बाय द वे, बट यस वेरी सून। तो यस, यहाँ पर बहुत सारे विलेजर्स बहुत कुछ बेचते हैं, पर आज हम लोगों को इन लोगों से एक बहुत ज्यादा जरूरी काम है, जो कि है भाई हम लोगों को बनाना यहाँ पर एक स्टैचू। मैंने सोचा हुआ था पूरे दिमाग में, पूरे मन में, कि यहाँ पर एक बढ़िया सा विलेजर का स्टैचू बनाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर एक बढ़िया विलेजर स्टैचू होगा, बट मैंने फिर उसके बाद कॉमेंट्स पढ़े उस पूरे वीडियो के जो हम लोगों ने ये बनाया था। मैंने तुम लोगों को बताया था यहाँ पर एक बढ़िया सा विलेजर का स्टैचू बनाएंगे, तो सारे कॉमेंट्स ये थे भाई विलेजर का स्टैचू नहीं, आप अपना स्टैचू बनाओ, क्योंकि आपके वर्ल्ड में आपका एक भी स्टैचू नहीं है, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा यार बात तो सही कही, देखो बात तो सही है, हमारे वर्ल्ड में अभी तक हमारा कुछ ऐसा, मतलब हमारा क्या, ये सभी हमारा है भाई, इतनी मेहनत से बना रखा है, बट स्टिल कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा समझ लो स्टैचू ये सब चीज़ें नहीं है। तो मैंने सोचा भाई देखो कोई और तो आके मेरे सर्वाइवल वर्ल्ड में मेरा स्टैचू बनाएगा, नहीं तो मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। तो आज हम लोग बनाएंगे अपना खुद का एक स्टैचू, बट उसमें एक दो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि भाई सीधी सी बात है मैं बना रहा हूँ तो प्रॉब्लम तो आएंगी है ना, नहीं भी होगी तो मैं बना देता हूँ प्रॉब्लम, उसमें क्या है। जो प्रॉब्लम हम लोगों को आने वाली है वो ये है कि मैंने सोचा हुआ है, देखो सीधी सी बात है ये एक विलेजर डिस्ट्रिक्ट है, विलेजर्स किस चीज से ट्रेड करते हैं सबसे ज्यादा, रुको मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ बाय द वे, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो विलेजर्स ट्रेड करते हैं एमरल्ड्स में, समझ रहे हो, सबसे ज्यादा। तो यार यहाँ पर अगर हम लोग एमरल्ड के अलावा कुछ और यूज करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बेसिकली मैंने क्या सोचा हुआ ना, इसका बेस जो होगा वो पूरा का पूरा एमरल्ड से बनाएंगे, बाकी भाई सीधी सी बात है जो स्टैचू होगा वो तो मेरे को जैसा, रुको एक मिनट, जैसा मैं दिखता हूँ वो स्टैचू थोड़ा सा ऐसा होने वाला है जैसा मैं दिखता हूँ। तो इसमें अलग अलग कलर्स है, ब्लू है, डार्क ब्लू है, फिर अपना शोल्डर पे गोल्ड है, फिर हमारी थोड़े बाल ब्राउन है, पैंट थोड़ी सी ग्रे और ब्लैक है, और उसके बाद जूते थोड़े ब्राउन है, ऐसे करके। तो हम लोगों को ये सारे कलर्स का यूज करना है, बट मेन चीज ये है कि यहां पर जो प्लेटफॉर्म होगा जिसके ऊपर वो खड़ा होगा सीधी सी बात है, तो वो मैं सोच रहा हूं कि एमरल्ड का बनाया जाए, क्योंकि उससे थोड़ा सा समझ रहा हूं विलेजर वाली फील आती है कि हाँ विलेजर है यार, समझ रहे हो। इसकी वजह से मैंने सोचा हुआ है कि हम लोग यहाँ पर पहले स्टैंड जो होगा वो ये एक विलेजर मार्केट है, इसलिए उसको एमरल्ड का बनाएंगे। अब हमारे पास एमरल्ड्स के नाम पे एक ढेला भी नहीं है, तो यस हम लोगों को ढेर सारे एमरल्ड जमा करने। ओ ओ ये देखो कितनी तेज चढ़ा देगा, जैसी खोला ऐसे भग के आया ना दौड़ता हुआ। ओके हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, हम लोगों को ढेर सारी चीजें बनानी पड़ेंगी, जैसे कि फ्लैचर्स हो गए और ये सब हो गए, और उनसे ढेर सारा एमरल्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी के लिए मैंने जो सोचा हुआ है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अगर मेरे पास बाई चांस इसमें नहीं है, वैसे एक्चुअली है भी, ठीक है मैं इन ब्लॉक्स को यूज कर लूंगा अभी के लिए। तो हम लोग क्या करने वाले, देखो मैंने जो सोचा हुआ है जो स्टैंड बनेगा वो तो भाई जितना एपिक हो सकता है उतना एपिक बनाएंगे। तो देखो इस सेंटर वाली से 1 2 3 4 5 लेन दूर, ठीक है, और इधर से 1 2 3 4 5 लेन दूर, परफेक्ट 1 2 3 4 ओके, 4 छोड़ के और उधर से 5 छोड़ के, ठीक है। तो सेम करेंगे हम लोग 1 2 3 4 छोड़ के और इधर से 1 2 3 4 5 छोड़ के, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे तोड़ देते हैं। अभी ये भाई ये मेरे को ऐसा मर्डरस आदमी क्यों लग रहा है, ये वहां था, वहां से यहां चल के आ गया और अब ये मेरा पीछा कर रहा है। आऊं मैं अपनी पे आऊं फिर है, मैं अपनी पे आऊं मैं उधर, डर गया ना, चल निकल ले बेटे, बहुत मारता हूँ, हाँ चलो ठीक है ये हो गया। उसके बाद हम लोग इधर को आते थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम लोग इसको आगे को खींचेंगे, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है मैंने सोचा भाई इसको 10 लंबा खींच सकते हैं, बट एक्चुअली एक मिनट रुको यार, ये रास्ते से भी हम लोग इसको थोड़ा बहुत अलाइन कर सकते हैं, तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं कि इतने तक का ही खींचते हैं, ठीक है, क्योंकि पैर वैर बनाने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। तो मेरा मानना है कि हम लोग इसको यहाँ से करते हैं, तो देखो ये कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉन्ग, ठीक है, और उसके बाद वाइड कितना है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वाइड है, 17 वाइड, 8 लॉन्ग, 8 17 जा 136। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई मैं पागल हो गया और मैं फ्रीज हो गया, बट एक्चुअली मैं कैलकुलेशन कर रहा था, ह्यूमन कैलकुलेटर एक मिनट चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर में जेन्युइनली भाई, इससे पहले कि मैं गलत नहीं हूँ, 817 जाए क्योंकि बाद में फिर बड़ा भेजिए 136। यार मैथ्स पढ़ाइए बच्चों को एलिमेंट्री स्कूल के, तुम क्या बात कर रहे हो यार, 8th क्लास तक की मैथ्स पढ़ाता था तुम्हारा भाई, कैसे गलत हो सकता है। बट इस वाले के लिए हम लोगों को कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा, तो बेसिकली हम लोगों को चाहिए 136 ये क्या कहते हैं एमरल्ड के ब्लॉक्स, 136 एमरल्ड के ब्लॉक्स में लगेगा, हर एक में 9 और 9 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 12,224 अपना एमरल्ड्स, और उसको डिवाइड करेंगे 64 से तो हम लोगों को कहीं भी नहीं तो 19 टैग चाहिए होंगे
एमरल्ड्स के, 19 स्टैक्स ऑफ एमरल्ड्स। तो हम लोगों के पास जो भी है, जैसे भी है, हम लोगों को उसका पूरा पूरा यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि हम कहीं भी कुछ भी ट्रेड कर सकते ना, तो हम लोगों को वो ट्रेड करना पड़ेगा। अभी के लिए हम लोगों के पास देखो, यहाँ पर आई गेस ये कार्टोग्राफर है, ये हमसे पेपर ट्रेड कर सकता है, ये हमारा फ्लेचर है, ये हम लोगों से लकड़ियाँ ट्रेड कर सकता है, ये हम लोगों का यूजलेस बंदा ही हमसे कुछ ट्रेड नहीं करेगा, ये हम लोगों के आयरन वाले ट्रेड्स हैं, इनको थोड़ा बहुत लेवल अप करना पड़ेगा एमराल्ड को यूज करके, बट उसके बाद ही हमसे आयरन ट्रेड करने लग जाएंगे, तो उसमें कोई इशू नहीं है, हम लोगों को इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो एक काम करते हैं, मैं फटाफट से जितने ज़्यादा हो सकते हैं पहले तो एमराल्ड ढूंढ के लेके आता हूँ, जितने अपने पाऊंगे, पर हम लोगों को 19 स्टैक एमराल्ड चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। हाँ, जैसे कि विलेजर बोल रहा है, हाँ आता हूं मैं थोड़ी देर में, ठीक है, 19 स्टैक एमराल्ड के लेके। हाँ, कई सारी वीडियो में बीच में डाल रहा हूं, बट एक्चुअल में ये वीडियो एंड पे रिकॉर्ड हो रही है, हम लोगों ने पूरा बिल्ड बना दिया सबको, लेकिन मेरे को अभी याद आई भाई, हम लोग नॉमिनेट हुए हैं गेमर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए, ठीक है ना, हम लोग गेमर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए, बहुत सारे और भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, तो जाके प्लीज अपने भाई के लिए वोट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हाँ, वो वेबसाइट कभी कभार ना बहुत स्लो काम करती है, बट यार एक दो बार ट्राई करते रहो करते रहो, करके जरूर वोट आना भाई, कुछ भी हो जाए, चाहे भाई के लिए वोट करना है तुमने, हम लोगों ने कैसे भी इसको जीतना है भाई, क्योंकि माइनक्राफ्ट कम्युनिटी से हम लोग वहां पर नॉमिनेटेड है, और हमें दिखाना है भाई कि माइनक्राफ्ट कम्युनिटी में कितनी ज्यादा पावर है, फ्लीट आर्मी में कितनी ज्यादा पावर है, तो जाके वोट जरूर करना, ठीक है, जीतना है इस बार, ये जो गेमर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो घर लेके आएगा तुम्हारा भाई, बस तुम लोग वोट मारो। हाँ, कभी कभी वेबसाइट ऐसा ग्लिच होती है, लैग होती है, बट भाई यार ट्राई करते रहो कैसे भी जाके वोट तो दे के आना है भाई। अब तुम देख लो बाकी कितनी क्या कहते हैं ईमेल आईडीज और उन सबसे वोट करना है, बट वोट जरूर करके आना है, ठीक है, जाओ डिस्क्रिप्शन में वोट करके अपने भाई के लिए गेमर ऑफ द ईयर अवार्ड लेके आएंगे घर, फ्लीट आर्मी, लेट्स गो गाइस। मैं सारे के सारे फार्म से सारी चीजें इकट्ठा करके लेके आ गया हूँ, आई जस्ट होप अब यहाँ से थोड़ा बहुत काम धंधा स्टार्ट हो पाए। यार ये मेरा पीछा बहुत ज्यादा कर रहा है, मैं बता रहा हूँ इसको, समझ जा टाइम से। ओए ओए, ओके चलो, अभी हम लोग क्या करने वाले, मैं देखो एक एक करके सारी चीजें लेके आ चुका हूँ हम लोगों को, अभी के लिए ये रहा शुगर केन, तो इसको हम लोग यहाँ रखेंगे, ये क्राफ्टिंग टेबल यहाँ रखेंगे, जितना भी शुगर केन है वो सारा निकाल लेंगे, और उसके बाद इन सब से हम लोग पेपर बना के इंस्टेंटली यहीं पे खड़े खड़े हम लोग इनसे ट्रेड कर सकते हैं, जो कि ये है हमारा भैया। चलो भैया, हैं बड़े ये क्या हुआ, ये क्या बात हुई यार, भैया यू आर नॉट फेयर यार, दिस इज नॉट फेयर यार, दिस इज नॉट डन, थैंक यू, देखा डांटना पड़ता है एक बार तब जाके भैया मानते हैं, ठीक है, हम लोगों को यही चीज करते रहनी जब तक अपने पास या ये 16 जो डायमंड एमराल्ड दिख रहे ना, ये ऐसी 19 स्टैक ना हो जाए, 16 एमराल्ड के 19 स्टैक, यस सर। वो देखो उसके प्राइस देखो एक बार, देख रहे थोड़ा सा, उसको पता चल गया ना अभी मेरे को जरूरत है इसकी, तो हाँ नाइस 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 है ना, नाइस नाइस ब्रदर, गुड गोइंग, यस बहुत बढ़िया, लूटेगा बेटा तू, लुटेरा बनेगा, लुटेरा बड़े होके, देर वी गो। यहाँ पर अपने पास आयरन भी पड़ा हुआ है, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी बेसिकली, मेरे को देखो इन सब से ना ट्रेड भी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, इन लोगों के ट्रेड्स खोलने पड़ेंगे ताकि ये लोग फिर आगे जाके हम लोगों से क्या कहते उसे, ओके नौ एमराल्ड सीरियसली नहीं चाहिए, तो गाइज मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, अब मैं पूरा के पूरा सब कुछ जमा करके तुम लोगों से थोड़ी देर में मिलता हूँ, सो गिव मी सम टाइम, आता हूँ मैं थोड़ी देर में, ओके। हाँ ये बेफालतू की, ओए बेटा गुठा भी मत लो, गलती से बता रहा हूँ, चलो गाइस लास्ट रन करते हैं, आई गेस लास्ट रन मतलब सही बताऊँ तो वैसे इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस टाइम कंज्यूमिंग था, थोड़ा टाइम लग गया, हार्ड जैसा तो कुछ नहीं लगा मेरे को सही बताऊँ तो, क्योंकि हम लोगों के पास ऑलमोस्ट सारे ही फार्म बने हुए हैं, हमें बस जाके, अबे यार ड्रामे बाजी इनकी, अच्छा मैं सो भी नहीं सकता अभी भाई, सूरज डूब गया नहीं ना अभी तक का, सूरज मामा डूब जाओ यार, है ना चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू सो जाओ यार क्या ऐसी याद रखना पड़ता है यार, मैंने बाय द वे सारे के सारे विलेजर्स को बेड दे दी, कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार उन बेचारों को दिन भर काम करवा रहा हूँ बट उनके पास सोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैंने सारे के सारे विलेजर्स को ना बेड दे दिए थे, एंड बिलीव मी ब्रो इट इज़ नॉट दैट हार्ड, मैं सच्ची बताऊंगा, बस इतना ही था कि बस सारे के सारे फार्म्स में तुम्हें थोड़ी देर अपना टाइम देना पड़ेगा, तुम लोगों को रुकना पड़ेगा, एंड दैट्स इट भाई। मैंने जितने हो सकते ना जितने टाइप के, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने आज तक का इतने टाइप की ट्रेडें नहीं करी थी, ऐसा नहीं कि मैंने ट्रेड्स नहीं करी थी, बट आज तक मैंने सारे टाइप की ट्रेड्स नहीं करी थी, खैर फ्लेचर से तो करते ही थे हम, अपने लाइब्रेरियन से करते ही थे हम लोग, कार्टोग्राफर से फिर भी करते ही थे मतलब, और फिर फ्लेचर दोबारा से, बाकी फिर इनसे तो करते ही थे जो जितने भी आयरन ट्रेड्स करते हैं, बट भाई मैं जाके तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैं वो लेके आऊँ क्ले लेके आऊँ, मैं क्ले से ट्रेड हो रही है, क्योंकि भाई यहाँ पर और कौन कौन बंदे
जिनको जिनको मेरे को देख, ये देखो ये वूल वाला, ये व्हाइट वूल लेता है भाई, ये व्हाइट वूल लेता है, तो इसको व्हाइट वूल से ट्रेड करो इससे मस्त करके। ये तो खैर अपने मेरे को लगा कोई बाहर निकला हुआ, बाकी फिर अपने आयरन वाले तो है ही बंदे, ठीक है, तो वो कोई टेंशन नहीं है। बट मतलब मेरे को सच में शॉकिंग लगा थोड़ा सा, फूड वाले को हम लोगों ने एक दो बार उसके कंपोस्टर तोड़ के इसको भी हम लोगों ने ये बना दिया, वीट वाला बना दिया, तो ये वीट से ट्रेड कर लेता है, तो ये चीज़ काफ़ी कूल है छोटी छोटी। बट अभी के लिए तो खैर हम लोगों के पास सभी कुछ हो गया है, और वूल की ज़रूरत आज हमें बहुत ज़्यादा पड़ने वाली बाय द वे इस बिल्ड में। बट मैं वही सोचा था कि वाइट वूल कहीं ख़त्म हो गया फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाए, तो देखो अपने पास वूल की कमी नहीं, बट अभी के लिए हमारे पास वाइट वूल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और टेंशन की बात वही है, रुको जरा एक मिनट, देयर वी गो, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अब अपने पास भाई अनलिमिटेड सप्लाई, अनलिमिटेड तो नहीं बोलेंगे खैर, लेकिन मतलब अपने पास काफ़ी ज़्यादा सप्लाई है ऑफ क्या कहते हैं उसे, एमरल्ड ब्लॉक्स, तो हम लोग बस वही चीज़ का यूज़ भी करने वाले हैं, ठीक है। सो देयर वी गो, चलो अभी के लिए ये किया, अब इसको पूरा एक बना के देयर वी गो, अपने हो गए सारे के सारे एमरल्ड भी साफ। चलो लेट्स होप कि हमारी मैथ सही थी और अभी ये जो प्लेटफॉर्म है ये पूरा का पूरा इसके उससे बन जाएगा, लाइक पूरा का पूरा एमरल्ड से भर जाएगा, क्योंकि मेरे को इसको पूरा ही एमरल्ड से भरना है, कायदे से बीच में जरूरत नहीं पड़ेगी, और खास करके जहाँ पर हमारे बूट्स आएंगे वहाँ पर हम लोगों को एमरल्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोस्ट प्रॉब्ली मैं वहाँ से एमरल्ड तोड़ दूंगा, क्योंकि अब सीधी सी बात है यार, जरूरत नहीं है तो जबरदस्ती के लगा के भाई फालतू का वेस्ट तो मैं करने वालों में से हूँ नहीं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर सोचो बूट्स आ गए, यहाँ पर इतने बड़े बूट्स आ गए ये, तो भाई यहाँ पर मैं क्यों लगाऊँ एमरल्ड, ये जब दिखेगा ही नहीं एमरल्ड, तो है ना, बाकी चीज़ें जो एमरल्ड की दिखेगी उसमें लगा देंगे, हमको कोई टेंशन नहीं है, है ना। ये तोड़ देते हैं पूरा का पूरा, अभी के लिए तो पूरा इसको एमरल्ड से ही भरने वाला हूँ मैं, बाद में बूट्स के हिसाब से मैं तोड़ दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी के लिए तो मैं इसको भरने वाला हूँ। सो लेट्स गो, और इसको भी तोड़ता आई थिंक हो जाएगा काम, क्योंकि एक स्टैक में इतना हो गया, तो आई थिंक बाकी में तो हो ही जाना चाहिए, एक स्टैक और 11 और पड़ा है अपने पास अब। चलो चलो लगाते जाओ 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 लगाते जाओ, चलो 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 चलो, बस हो गया 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 हो, चलो ठीक है। ये अपना पूरा का पूरा एमरल्ड का स्टेज तैयार हो चुका है, जिसमें तुम्हारे भाई का स्टैचू लगा, देखो तो कूल लग रहा है, सही बताऊँ तो भाई मज़ा ही आ गया, नहीं मेरे को तो बहुत कूल लगा भाई। और मैं सोच रहा हूँ पता है क्या, एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग, इससे हमारे थोड़े बहुत एमरल्ड्स भी बचेंगे, बट वो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा वो देखने वाली बात है। मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको एक प्लेटफॉर्म इसका और एक अप कर देते हैं, बट अंदर से, समझ रहे हो, बाहर से नहीं, समझे मेरी बात, मतलब इसका ना एक अंदर को प्लेटफॉर्म, ये जो ये वाला प्लेटफॉर्म है ना, ये वाला प्लेटफॉर्म बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, ये कर देते हैं, ये देख रहे हो, फिर इस वाले पे मेरा स्टैचू खड़ा हुआ होगा, देख रहे हो, ऐसे करके मेरे ख्याल से ऐसे ज़्यादा बेटर लगेगा, एक सिंगल स्लांट उतना कूल लगेगा जितना डबल वाला लगेगा। तो मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मेरे को इसको पूरा का पूरा यजर तोड़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, इसको अंदर से मेरे को पूरा साफ करना पड़ेगा, क्योंकि एक हम लोग इसको बेसिकली बस एक हाइट अप कर देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हम यहाँ पे, सिर्फ एक हाइट अप कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा टाइम दो, इसको मैं बना के आता हूँ। तो गाइस हम लोगों ने इसको अरे एक मिनट रुको, पूरा बोलते ही मेरे को दिखा उधर से, तो हम लोगों ने इसको पूरा का पूरा देखो ऐसा बना दिया। अब ये मेरे ख्याल से बेटर स्टेज लग रहा है, सच्ची बताऊं तो अब लग रहा है प्रॉपर स्टेज जैसा, और इसके ऊपर स्टैचू का तो आई थिंक ज़्यादा कूल लगेगा। एंड जैसे कि सब लोगों को पता ही है भाई, ये प्रॉपर हमारी विलेजर डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ हमारे सारे विलेजर्स जब मास्टर्स हैं, तो भाई मास्टर्स के लिए कुछ क्रेजी मास्टर टाइप चीज़ भी होनी चाहिए, राइट। तो हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं इसको, हम लोग और सजाएंगे, मे बी मैं ऐसे एक दो पॉइंट्स और लगा दूँ साइड साइड में, वो तो हम लोग बाद में करेंगे, देखते हैं अभी, पर अभी के लिए हम लोग अपना यहाँ पे स्टैचू बनाना स्टार्ट करते हैं। अब तुम लोग बहुत ज़्यादा मेरे को लेफ्ट में देखते हुए देखोगे, क्योंकि मैंने अपने लेफ्ट में अपनी स्किन लगा दी है लेफ्ट वाले मॉनिटर पे। अभी स्किन देखते देखते हम लोग को बनानी, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ब्राउन से, हम लोग को चाहिए ब्राउन। अब देखो डार्क ब्राउन जैसा कुछ होता नहीं है इस गेम के अंदर, ब्राउन या फिर ब्राउन ही होता है फिर, है ना। तो हम लोग एक काम करेंगे, अपने पास देखो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, मैं पता नहीं स्लाइम में क्यों जा रहा था भाई, वूली में जाना जब हमने, चलो अब हम लोगों को सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो काम करना है वो ये है कि हम लोगों को सबसे पहले तो देखो एक एक करके सारे के सारे वूल टाइप्स लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं अभी यहीं पे देख लेता हूँ हम लोगों को क्या क्या वूल टाइप्स ही होंगे। जैसे कि सबसे पहले तो ब्राउन वूल हम लोगों को चाहिए होगा, ठीक है, उसके बाद हम लोगों को ब्लैक वूल चाहिए होगा ढेर सारा, तो दो दो स्टैक हर चीज़ के मैं रख रहा हूँ, बाद में आ जाएंगे दोबारा से लेना होगा। तो फिर हम लोगों को चाहिए होगा लाइट ग्रे और ग्रे, ठीक है, ग्रे वूल भी चाहिए होगा हम लोगों को, तो दो स्टैक वो भी रख लेते हैं, ठीक है, इस वाले को मैं वापस रख रहा हूँ अभी के लिए, और ग्रे को भी हम लोग दो स्टैक रख लेंगे। एक्चुअली ग्रे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा हम लोगों को, ठीक है, एक्चुअली लाइट ग्रे थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, ग्रे तो फिर भी हो जाएगा, लाइट ग्रे रख लेते हैं ढेर सारा। और उसके बाद हम लोगों को चाहिए होगा ढेर सारा येल्लो वूल,
ठीक है, येलो फूल के साथ साथ हम लोग को चाहिए होगा थोड़ा रेड, ठीक है, और उसके साथ हम लोग को थोड़ा बहुत बीच बीच में पिंक भी चाहिए होगा, पिंक नहीं एक्चुअली थोड़ा ऑरेंजिश कुछ है, इसको ऑरेंज रखते हैं, ठीक है, ये पिंक नहीं है ऑरेंज है, और हमारी तो वही भर गई भाई, पूरी जेबी भर गई, ठीक है, इसको हम लोग फेंक सकते हैं भाई, मैं मजाक भी नहीं करूँगा सच्ची में भाई, इतना आयरन है, इतना आयरन है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कितना आयरन है। यहाँ पे मैं पूरा का पूरा वूल भर रहा हूँ अभी के लिए, ताकि हमारी इन्वेंट्री थोड़ी बहुत खाली हो जाए। और क्राफ्टिंग टेबल है यहाँ कहीं? नो सर। चलो इसको हम लोग आयरन को वो कर लेते हैं, ठीक है, कास्ट कर लेते हैं, कास्ट कर लेते कह रहा हूँ, आयरन को अपना वो बना लेते हैं, क्या कहते उसे, तुम समझ गए, ठीक है, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं। चलो ये हो गया, हम लोगों को व्हाइट चाहिए होगा क्योंकि हम लोगों के गोल्डन पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, हम लोगों को ऑरेंज भी चाहिए होगा, हम लोगों को भाई येलो बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, मजाक भी नहीं कर रहा सच्ची में बताए, यस सर, हम लोगों को येलो बहुत सारा चाहिए होगा, और उसके साथ साथ हम लोगों को हाथ के लिए थोड़ा बहुत पिंक भी चाहिए ही होगा यार, मतलब हाथ पैर बनाएंगे ना थोड़ा बहुत पिंक, एक्चुअली टेराकोटा लगा दूंगा मैं, एक काम करूंगा, ठीक है, स्किन के लिए टेराकोटा टाइप कुछ यूज़ करेंगे, हम लोगों को वूल चाहिए होगा ये वाला, हम लोग को पिंक तो जितना हो सकता है उतना, ऑरेंज रख लेते हैं थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मैजेंटा भी रख ही लेते हैं, पर्पल वूल रख लेते हैं मैं तो, चलो एक मैजेंटा भी रख ही लेते हैं, ठीक है, आई थिंक इतने से अपना काम हो जाना चाहिए, सारा सामान उठा ओके सर। हम लोग को वाइट भी एक्चुअली चाहिए होगा, और यार ये आयरन आयरन क्या छोड़ूँ मैं, क्या छोड़ूँ भाई, एमरल्ड भाई, जी जी एमरल्ड छोड़ रहा हूँ मैं अभी के लिए, जी जी भाई, जो चीज़ हम लोग लिटरली पिछले एक दो घंटे से ग्राइंड करें वो मैं ऐसे फेंक के आ गया हूँ, खैर दो ही थे बट स्टिल। चलो अभी के लिए अपना सारा सामान रेडी हो चुका है, अब चलो देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है, ठीक है, मेरे को ना एक और चेस्ट लेके आना चाहिए था, या फिर मैंने वो रख के नहीं आने चाहिए थे अपने सारे के सारे क्या कहते उसे शुल्कर चेस्ट, वो मैंने अपने पास रखी चाहिए, शुल्कर चेस्ट बेसिकली एक एक्स्ट्रा स्टोरेज हो जाती है, एक स्टोरेज के डब्बे में तुम्हारे 27 स्टोरेज के डब्बे हो जाते हैं, समझ रहे हो ना, मैं एक काम करता हूँ लेके आता हूँ, रुको यार ज़रा बहाना भी मिल जाता है मेरे को इसमें जाने का। चलो ठीक है, इसको इसको रख लेते हैं अपने पास, और अभी के लिए एमरल्ड के स्टॉक को यहाँ रख देते हैं, बहाना भी जाता है, कासल कितना कूल लगता है हमारा भाई, और ये देखो ये मेरा माली भैया भी है यहाँ पे। चलो चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं गाइज अब अपना स्टैचू। तो गाइज इससे पहले हम लोग अपना स्टैचू बनाना स्टार्ट करें मेरे को दो मिनट दो, मैं सबसे पहले थोड़ा बहुत कंक्रीट बना के लेके आता हूँ, ठीक है, हम लोगों को थोड़ा बहुत कंक्रीट वाली चीज़ें भी चाहिए क्योंकि जहाँ पर हम लोग को थोड़े शेड चेंज करना ना, जैसे ब्राउन के एक दो शेड्स लग रहे हैं, सब कुछ लग रहा है, तो हम लोग वहाँ पर थोड़ा कंक्रीट ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग टेरिकॉटा भी यूज़ कर सकते हैं, आई थिंक मेरे पास टेरिकॉटा पड़ा होना चाहिए क्योंकि हम लोगों को टेरिकॉटा बायोम मिला था, बट आई एम नॉट श्योर अगर मेरे पास पड़ा होगा, बस एक चीज़ एक एक चीज़ छोटी सी टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, क्या पता, ठीक है, क्या पता, आई एम नॉट श्योर, बट ये क्ले वाला कौन सा था, क्ले वाला भैया इनमें से कहीं पर है, वो क्ले वाला शायद से टेरिकोटा बेच रहा था, आई एम नॉट श्योर दो, ठीक है, वो खरीद रहा था या फिर बेच रहा था, दोनों में से एक चीज़ कर रहा था, अरे मैं उसके घर के अंदर क्यों आके सो गया भाई गलती से यार, सॉरी भाई, वो देखो क्या भी रहा, अबे निकल ना ऐसे करके देखो, टेरिकॉटा ऑरेंज टेरिकॉटा बेच रहा है ये वाला, ओके ब्रिक बेच रहा है, बट ये टेरिकॉटा नहीं बेच रहा है, नॉर्मल वाला, ठीक है, ये ऑरेंज टेरिकॉटा बेच रहा है, बट ये नॉर्मल टेरिकॉटा नहीं बेच रहा है, जो कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोगों को टेरिकॉटा चाहिए होगा, आई थिंक फॉर स्किन हम लोगों को टेरिकॉटा एटलीस्ट चाहिए होगा, एंड या आई गेस मेरे को टेरिकॉटा लेके आना पड़ेगा, या फिर टेरिकॉटा कैसे बनता है वो देखना पड़ेगा। गाइस मेरे को पता चल चुका है टेरिकॉटा कैसे बनता है, ठीक है, मैं नहीं चाहता है कि भाई सही बताऊं तो इसमें कंक्रीट यूज़ करूं क्योंकि कंक्रीट ना थोड़ा सा टेक्सचर लेस टाइप चीज़ होती है, तो इसलिए उसमें मज़ा सा नहीं आता है, तो मैं क्या करने वाला हूं ना, मैं अभी ढेर सारी क्ले लेके आता हूं, ठीक है, क्ले बस हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कहीं पर हमें क्ले का वो मिल जाए, लाइक पैच जैसे ये है, तो ऐसी पैच जैसे मिल जाए, हम लोग जब क्ले को पकाएंगे तो हम लोगों को ये क्ले देगी क्या बॉयज, सीधा और सीधी सी बात है, ये क्ले हम लोगों को देगी भाई ढेर सारी टेरिकॉटा। तो चलो मेरे को थोड़ा टाइम दो गाइस, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्ले लेके आता हूँ, ठीक है, आई होप कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे दबा के मिल जाए, ना कि ऐसे ही चार चार पाँच पाँच करके ना, कहीं तो होगा यार कोई बड़ा पैच होगा क्ले का यार, आई थिंक सो गाइज इतने से अपना हो जाना चाहिए, वैसे वहाँ पर एक ना मेरे को बढ़िया सा वो दिख रहा है, क्या पता इसमें एक हमें गोल्डन एन्चांटेड एप्पल मिल जाए वैसे सही बताओ तो, लेकिन अब मैंने बोल दिया है तो भाई पनौती लगी गई होगी तो कुछ नहीं मिलने वाला, यस सर, हम लोग को आई थिंक काफ़ी क्ले मिल चुका है, ठीक है, हम लोग को इससे ज़्यादा
पता नहीं यार, सही बता दो, स्टैचू स्टैचू हो सकता है कि स्टैचू बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाए, तो उसकी वजह से हो सकता है मैं और ज़्यादा, चलो बढ़िया यार, ये देखो थोड़ा सा और है, इसको भी निकाल के अब मैं तुम लोगों से सीधे मिलता हूँ, क्योंकि हम लोगों को इसको स्मेल्ट भी करना है, और स्मेल्ट करके इसको टेरिकॉटा ही बनाना है, फिर इसको मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को पिंक टेरिकॉटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को अपनी स्किन के लिए बहुत सारा टेरिकॉटा लगेगा, फेस में लगेगा और फिर अपने हाथ वात में भी लगेगा, तो हो सकता है हमें ढेर सारा टेरिकॉटा लगे, तो चलो मैं मिलता हूँ तुम लोगों को इसको स्मेल्ट करके सीधे बेस पे वापस। गाइस फाइनली हम लोगों का सारा टेरिकॉटा जो था वो बन के रेडी हो चुका है, तो चलो यहाँ पर से निकाल लेते हैं, ठीक है सारा, आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ यार इधर आ जाओ, सारा टेरिकॉटा मेरे हाथ लग जा हुआ। ओके, बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ थी ये, बट ठीक है। देखो अब हम लोग करने वाले हैं आगे का काम, जो कि होगा आगे चलते हैं, चलो सबसे पहले तो आगे का काम करने के लिए आगे चलना भी तो पड़ेगा ना। अबे इसको, ओए डोगू आया हुआ है, ओके नॉट बैड, आई थिंक मेरा डोगू मेरे पास है कि नहीं है, देयर वी गो, चलो डोगू आया हुआ है, डोगू खिलाएंगे। कहाँ है पोंपुना, ओ मेरा पोंपुना, ओ मेरा पोंपुना, ओ मेरा पोंपुना, बस बढ़िया, ये है हमारा पोंपुना, ठीक है। चलो फटाफट से चलते हैं यहाँ पर, और अब हम लोग अपना बिल्ड बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे को बस एक ही चीज़ देखनी थी, स्किन के लिए कौन सा कलर सही रहेगा, तो हम लोग सबसे पहले एक बना के देखते हैं, पिंक, ओके पिंक, ये तो कहीं नहीं जा रहा है भाई, पिंक मैंने गलत इतने सारे बना लिए, डाई बेफालतू का, ग्रे तो बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल ही नहीं, वाइट ये भी मतलब सही बताऊँ तो इतना ज़्यादा वाइट भी नहीं, आई थिंक हमारे कैरेक्टर की स्किन, रुको जरा मैं चेक कर लेता हूँ एक बारी, ओ ये परफेक्ट कलर है, व्हाट, ये वाइट थोड़ा सा पिंक है बट ये परफेक्ट कलर है एकदम, ओके नॉट बैड, रुको जरा हम लोगों को देखो स्किन फेस और उसके लिए एटलीस्ट दो स्टैग है, इससे ज़्यादा ही लगने वाला, बट अभी के लिए मैं एक रख के चलता हूँ, हम लोग सबको ना अभी से ही वो कर देते हैं ब्राउन, ये हाँ ये हेलमेट, ये थोड़ा बालों में आ जाएगा, थोड़ा जूतों में आ जाएगा ये कलर, तो ये तो हमारे फिर भी काम आ सकता है, ठीक है, तो इसको हम लोग ठीक है दो स्टैग इसको भी रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग अब आते हैं अगली चीज़ पे, जो कि हमारा ब्लू, ब्लू ज़्यादा यूज़ तो नहीं लग रहा है, तो एक स्टैग ही बना के छोड़ देते हैं, ग्रे पे आ जाते हैं, ग्रे मैंने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, राइट एक मिनट, ग्रे मैंने, ये ग्रे और ब्राउन एकदम सेम टू सेम लग रहा है, ओके ये भी थोड़ा बहुत यूज़ हो सकता है, तो इसको भी रख लेते हैं, येलो तो गारंटीड यूज़ होगा भाई, चाहे गोल्ड में यूज़ हो या कहीं पर यूज़ हो, बट ये गारंटीड यूज़ होने वाला है, यस सर, ठीक है, तो इसको भी हम लोग ढेर सारा बना के रख लेते हैं अपने पास। पिंक था एक कलर जो मैंने गलती से बना दिया आई गेस, और लास्ट देख लेते हैं एक मेरे पास टेरिकॉटा बचा है उसके लिए, नहीं जी जी भाई टेरिकॉटा ही नहीं बचा, तो क्या करोगे, इससे बना सकते क्या दोबारा, नहीं ना यार, मेरे को देखना था यार कि ऑरेंज के लिए भी, चलो ठीक है बाद में हम लोग और टेरिकॉटा ले आएंगे, बट अब स्टार्ट करते हैं, भैया इधर को आ तू, इधर को आ, ले ले बम्पू, आ खाएगा, बैठ जा वहीं बैठ जा, ठीक है, ये स्टैचू की रक्षा करनी है तूने, समझ गया नहीं समझ गया, समझा, ओए पंपी समझा कि नहीं, समझ गया, तो हम लोग देखो ब्राउन टेरिकॉटा यूज करेंगे, क्योंकि हमारे शूज में ब्राउन है काफी सारा, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है भाई, ये गलत नहीं बनना चाहिए, ठीक है। देखो पहली बात तो ये कि माइनक्राफ्ट का जो स्टैचू होता है वो साथ में चिपका हुआ होना चाहिए, कहने का मतलब है कि पैर जो होते हैं वो जिससे तुम चल नहीं रहे होते, जैसे देखो अभी मेरे देखना, ये देखो देख रहे हो, मैं एक बार आर्मर भी नहीं उतार सकता हूँ, कोई बात नहीं भाई, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब रिजिड टाइप होने लग गया है, मेरे पास लकड़ी भी नहीं पड़ी है जिससे मैं अपना थोड़ा बहुत सामान वामान वो कर सकूँ, तो अभी के लिए मैं इसको फेंक रहा हूँ, जो चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए होंगी यहाँ पे, ठीक है, ये भी फेंक रहा हूँ, ये भी फेंक रहा हूँ, ये सब हमें नहीं चाहिए होगा, तो मैं अपना आर्मर उतारता हूँ एक बार। अब देखो जब हमारा कैरेक्टर सीधा खड़ा रहता है तो उसकी दोनों टांगें चिपकी हुई होती है एकदम, तो हम लोग को सबसे पहले शूज़ बनाने, हम लोग एकदम स्क्रैच से बना रहे हैं, ठीक है, हम लोग कहीं से कोई बिल्ड का वो नहीं देख रहे, कुछ नहीं देख रहे, हम लोगों को पूरा आर्मर बनाना है, मतलब पूरा आर्मर कह रहा हूँ, हम लोग को पूरा अपना स्टैचू बनाना है, और वो भी अपने हाथों से, और वो भी अपनी स्किन को देखते हुए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो नीचे हमारे शूज़ जो है वो ब्राउन है, थोड़े से ऊपर को जाते हुए ब्लैक होते हैं, तो हम लोग को 1, 2, 3 की हाइट तक का इसको ब्राउन रखना है, तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ दो छोड़ के और आगे पीछे से एक छोड़ के, आई थिंक इतना, हाँ इतने में सही रहेगा। तो नीचे के शूज हमारे ब्राउन है, पहले मैं एक ही कलर दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग दूसरा कलर देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके देखो पता भी नहीं चलता है कि तुम्हारे शूज अलग अलग है, बस वो उतने से पता चल जाता है कि हाँ बीच में कुछ है, ठीक है। तो देखो 2, 1, 2, 3, ठीक है, 3 इसके बीच के ये छोड़ देंगे भाई, इसको बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ध्यान से। चलो ये हो गया,
फिर ये एक नॉर्मल आ जाएगा, एक नॉर्मल, 1 2 3 और ये आ गया दोबारा से, दो छोड़ा है, हाँ दो छोड़े ना, परफेक्ट। देखो बिल्कुल एकदम सिमेट्री भी बैठनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिमेट्री नहीं बैठ रही है। चलो ये हो गया पूरा का पूरा। ये हमारे शूज़ होंगे भाई, बहुत ज़्यादा ही बड़े शूज़ नहीं है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर आएगा क्या, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा करते हैं, हल्का एक छोटा करते हैं बस, ठीक है, एक छोटा करते हैं। मेरे को शायद से अपने, यस सर, मेरे को आयरन से वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि भूल जो होगा वो थोड़ा सा गलत लग जाएगा, तो मेरे को थोड़ा सा आयरन चाहिए होगा। आई थिंक आयरन मेरे इसके अंदर पड़ा होना चाहिए, देयर वी गो, बस इससे थोड़ा सा आयरन निकाल के इससे हम लोग एक वो बना देंगे, ठीक है, अभी इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए इसको तोड़ना, जो कि ऐसे, चलो ठीक है। तो इसको अब हम लोग ये कर लेते हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने कर दिया। अब सेम चीज़ सेंटर से, इसको ऐसे तोड़ने की तो ज़रूरत नहीं, आई डोंट थिंक सो, बट यस, अब हम लोगों के शूज़ का लाइक स्ट्रक्चर रेडी है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो रेडी है। अब मैं क्या करने वाला, देखो इसको बीच से डिवाइड करूँगा, किस चीज़ से, मैं दिखा देता तुम्हें, इसको हम लोग बीच से डिवाइड करेंगे टेरिकॉटा से, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये देखो, ठीक है, इसको हम लोगों ने बीच से टेरिकॉटा से डिवाइड करा, अब हम लोग इसको साइड से भी टेरिकॉटा से ही डिवाइड करेंगे। तो चलो ये हो गया हमारा, साइड से भी इसको टेरिकॉटा से डिवाइड कर देंगे, चलो चलो चलो, आजा आजा आजा, देयर वी गो, ठीक है। तो ये देखो, ये थोड़ा सा शूज़ का पैटर्न बन रहा है, समझ रहे हो ना, वो बीच में हमारे शूज़ का ऐसे करके फिर ऊपर से जाएंगे, तो इसको हम लोग दो हाइट का बना कर देते हैं। तो ये देखो, ये हमारा बेसिक शू टाइप आ गया है ना, हाँ ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक शू टाइप आ गया है। अब हम लोगों को इसको पूरा का पूरा, रुको जरा, इसको हम लोगों को पूरा का पूरा ना थोड़ा सा ऊपर से इससे भरना पड़ेगा टेरिकॉटा से, ठीक है। तो हम लोग इसको एक लेयर टेरिकॉटा की पूरी बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारे शूज़ बंद हो गए, ठीक है, ये हमारा शूज़ खत्म। अब यहाँ से ऊपर को थोड़ा सा ब्लैक आएगा, ठीक है, ब्लैक कलर का वूल आना चाहिए मेरे हिसाब से तो, लेकिन ब्लैक कलर का अपने पास टेरिकॉटा है क्या, नहीं ना, हम लोग इसको ब्लैक कलर के वूल से ही भरेंगे फिर पूरा का पूरा, क्योंकि बेसिकली वो पूरा ब्लैक है, ठीक है। इसको पहले आएगा बना, फिर सेम इसको कॉपी कर लेंगे। चलो अभी इसको करते कंटिन्यू। तो हम लोग को इसको कैसे बनाना है, यस, पहली लेयर तो ऐसी आएगी, ठीक है, सेम पूरी ब्लैक की आएगी, बट उसके बाद हम लोग को दोनों शूज़ में थोड़ा सा ऊपर को बनाना है, जो हमारी आगे जाके पैंट में भी कॉपी होगी। तो ये हमारे शूज़ के, हाँ बिल्कुल इससे मैच होना चाहिए, सो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। वैसे कायदे से ये इतना भी हो सकता है, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको सामने से, हाँ सही लग रहा है, क्योंकि ये ना अभी हमारी पैंट्स आएंगी ऐसे, तो वो पैंट्स में ऐसी दिखने का चाहिए हम लोगों को, प्रॉपर ढंग का थोड़ा सा। चलो गाइज, हो चुकी है अगली गुड मॉर्निंग, और अब हम लोग इसको करना स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस करे हैं, थोड़ा बहुत तोड़ तोड़ के मैंने सही करा है इसको, बट ये सही हो गया। एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है जो तुम लोगों को अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं बताना भी नहीं चाहता, फिर वो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी वो बात, ठीक है, वो मैं तुम्हें अभी इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ, बट वो गारंटीड में तुम्हें आगे जाके पक्का से बताऊंगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को इस उसको ना, या मेरे को ना इसको अपने साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है, तो इसको मेरे को अपने साथ ही रखना पड़ेगा। अब हम लोगों को दो टाइप के लाइट ग्रे चाहिए, देखो बाहर से थोड़ा डार्क ग्रे और अंदर को थोड़ा लाइट लाइट ग्रे, समझ रहे हो, लाइट लाइट ग्रे, छी भाई। चलो मैं क्या बातें क्या करता हूँ कभी कभी, मेरे को सच्ची में खुद ही समझ में नहीं आता है भाई। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको यहाँ पे लगाते हैं, और उसके बाद अपना थोड़ा बहुत ये ग्रे वूल निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग लाइट वूल भी करेंगे। देखो अभी के लिए मैं इसको पीछे को नहीं बना रहा हूँ, वैलिड रीजन जो मैंने तुम्हें दे दिया है कि मैं उसको बेसिकली एंड में पूरा का पूरा बनाऊंगा, बट अभी हम लोगों को सामने से फ्रंट एक स्ट्रक्चर अच्छा चीज से क्लियर दिखे चीजें, ठीक है। अब ये जो हमारा डार्क वूल है, ग्रे वूल जो है, वो हम लोग इसको ऐसे करके लगाएंगे, ठीक है, और अपने लाइक टॉर्सो बनाना स्टार्ट करेंगे, अपनी पैंट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि पैंट एटलीस्ट 7 या 8 हाइट की होनी चाहिए, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमारे बूट्स ही 4 हाइट के हैं, राइट, तो हम लोग के 8 हाइट की पैंट तो एटलीस्ट होनी चाहिए। हाँ, हमारे बूट्स 3 हाइट के हैं, नाइस, अच्छी बात है, जो कि सच्ची बताऊँ तो, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा लंबी पैंट बनानी पड़ जाती है। अभी के लिए हमने कितनी बनाई, 8, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, अभी के लिए हमने 8 हाइट की बना रखी है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको बीच में भी हम लोग यही वाला ग्रे वूल यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि सेंटर में हम लोग लाइट वूल यूज़ करेंगे, और बाहर से हम लोग जो आउटलाइनिंग टाइप है उसमें हम लोग ग्रे वूल यूज़ करेंगे। हाँ सही है, इसको एक्चुअली हम लोगों को पता है थर्ड पे रख देना चाहिए, क्योंकि कायदे से अभी के लिए हमारी पिकैक्स जो है वो हमारी वो है, क्या कहते हैं, शीयर है, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है, नहीं एक्चुअली एक ज़्यादा हो गया, बस परफेक्ट, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पर बीच में जितना भी है इसको पूरा का पूरा नॉर्मली अपना ग्रे वूल से कवर कर देना है, ठीक है। वैसे मैंने थोड़ा सा ग्रे वो भी बनाया था, एक बार चेक कर लेता हूँ बस, वो मेरे पास टेरिकॉटा, अच्छा नहीं, वाइट टेरिकॉटा, मेरे पास टेरिकॉटा पड़ा, हम लोगों ने थोड़ा सा ग्रे वूल भी बनाया था। हाँ, ये ग्रे वूल नहीं है वो बिल्कुल भी जो मुझे चाहिए था, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। अब हम लोग इसको फटाफट से पूरा का पूरा इस ग्रे वूल से ढक देंगे। बीच में एक वो वूल छूट गया, बट ये काफ़ी कूल लग रहा है अभी से, ठीक है, थोड़ा सा
थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये ज्यादा ही हल्का ग्रे लग रहा है कैसा, ये थोड़ा ज्यादा ही लाइट ग्रे लग रहा है जो बीच में, ठीक है, ऐसी ऐसा नहीं है, थोड़ा हल्का सा डार्कर है। तो मैं टेस्ट करूंगा, ट्राई करूंगा, अगर मेरे को कहीं से थोड़ा डार्कर मिल जाता है तो ग्रे, थोड़ा डार्क ग्रे, हल्का सा डार्क ग्रे इस वाले से है ना। हाँ ये क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लाइट लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा सच्ची बताऊँ तो, इतना अच्छा ही नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है थोड़ा सा जेन्युइनली भाई। रुको एक काम करते हैं, पता है क्या, हम लोग ना अपनी क्राफ्टिंग टेबल में देखते हैं कि टेरिकॉटा कैसे कैसे कलर का होता है, क्योंकि अगर कोई अच्छा कलर का टेरिकॉटा भी होगा ना तो हम लोग उसको पकड़ सकते हैं बीच में लगाने के लिए, ठीक है। इसको देखते रहो, ब्लू टेरिकॉटा या पिंक टेरिकॉटा, बिल्कुल नहीं, रेड टेरिकॉटा, लाइट ग्रे टेरिकॉटा, नहीं बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा, कुछ ज़्यादा ही लाइट हो जाएगा। वो सियान, सियान टेरिकॉटा, गाइस सियान टेरिकॉटा परफेक्ट है, हम लोग को सियान टेरिकॉटा बनाना पड़ेगा। ओके ठीक है, मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं सियान टेरिकॉटा बना के लाता हूँ, क्योंकि सियान टेरिकॉटा इज द बेस्ट, नहीं दिखाएगा नहीं ना, सियान टेरिकॉटा मेरे को एकदम परफेक्ट लगा है, तो मेरे को थोड़ा टाइम दो फटाफट से, मेरे को ज़्यादा भी नहीं होगा, आई गेस मैक्स टू मैक्स दो स्टैक में हो जाएगा, क्योंकि अपना ग्रे बहुत ही कम यूज़ हुआ है यहाँ पे, लाइक लाइट ग्रे ना, क्योंकि हाइट ज़्यादा नहीं रखी, वैसे कायदे थोड़ी और हाइट होनी चाहिए पैंट की, बट वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों कम रखी हुई है, क्योंकि अभी बता दो तुम्हें क्यों कम रखी हुई, क्योंकि अभी एक और चीज़ आने वाली है इसमें। चलो मैं फटाफट से जाता हूँ और जाके लाइट सॉरी लाइट ग्रे सियान टेरिकॉटा बना के लेके आता हूँ। तो गाइस मैं सियान टेरिकॉटा लेके आ गया हूँ, अब चलो फटाफट से इसके, बहुत बढ़िया, ये कैसा ऊपर गया तू भाई, मेरे को समझाना जरा भाई, मैंने पानी नहीं निकाला, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो फटाफट से अब इसको पूरा का पूरा हटाते हैं, एंड लेट्स होप कि ये वाला सियान टेरिकॉटा थोड़ा सा बेटर लगे इस वाले से जो अभी चल रहा है, ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छा लगना चाहिए, पता नहीं भाई, बाकी तो रेस्ट इज अप टू भगवान ओनली यार, जो भी होगा जैसे भी होगा देखी जाएगी अब, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हटाता हूँ मैं, और पूरे के पूरे को सियान टेरिकॉटा से भर के तुम लोगों से 2 मिनट के अंदर मिलता हूँ। तो गाइज देखो ये पैंट तक का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, अगर देखा जाए तो स्टैचू एकदम परफेक्ट लग रहा है, मेरी एक्चुअल पैंट जैसा लग भी रहा है एट दिस मोमेंट। अब हम लोगों को इसको प्रॉपरली लाइक बनाना स्टार्ट करना है, टॉर्सो वाला एरिया, लाइक एक मिनट रुको यार, मैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज होने लग गया हूँ अब। टॉर्सो कमर होती है राइट, हाँ नहीं टॉर्सो ऊपर के छाती वाला पार्ट होता है गाइस, सारा का सारा, मैं बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज होना स्टार्ट हो गया हूँ अब, ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा ही लाइक थोड़ा भी नहीं, ठीक है। चलो अभी हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, अब हम लोगों को ढेर सारा ब्लू और येलो और रेड चाहिए होगा, जिसके लिए हमें दोबारा से नीचे उतरना पड़ेगा। यस सर, बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है यहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल गाइस, आप टेंशन मत लीजिए सर, यहाँ काम बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। हेलो, हाँ बढ़िया चल रहा है सर, ना 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 बार बार ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं आना पड़ रहा सर मुझे, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं मैं गधा थोड़ी ना हूँ भाई, मैंने ब्लू, ये देखा मैं बोल रहा था ना, हम लोगों को एक दो चक्कर तो लगाने पड़ेंगे यार, मैं बिल्कुल ही ब्लू कलर तो लेके ही नहीं आया, जो कि पूरी पूरे कपड़े सब कुछ ब्लू है, ब्लू है सब कुछ ब्लू है, लेकिन लाया भाई नहीं है बिल्कुल ब्लू, बिल्कुल नहीं है मेरी इन्वेंटरी में, बिल्कुल ब्लू नहीं है थोड़ा भी। लाता हूँ गाइस 2 मिनट देना, ठीक है, लेके आते हैं, ज्यादा दूर थोड़ा ना, बूली यहीं पर तो है हमारा। हम लोगों को सियान चाहिए होगा, ब्लू चाहिए होगा, लाइट ब्लू भी चाहिए होगा हम लोगों को, तो सभी लेके चलते हैं, सियान लाइट ब्लू, लाइट ब्लू, लाइट ब्लू दे दो, थैंक यू। चलो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं इसको फटाफट से बनाना। अब देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, बट थोड़ा डिफरेंट सीन क्या है, अब यहाँ से हमारी जो शर्ट है ना ऊपर की, वो थोड़ी सी हट रही है, ठीक है, तो हम लोगों को उसको परफेक्टली वैसी बनाना पड़ेगा। अब देखो जैसे मैं बताता हूँ, दोनों साइड पे ना ब्लूज है, ठीक है, तो ये वाला ब्लू हम लोग यूज़ करेंगे दोनों साइड के लिए, एकदम परफेक्ट ब्लू है, चटक ब्लू, ठीक है। फिर हम लोगों को आना पड़ेगा येलो पे, तो हम लोग ऐसे करके येलो लेके आएंगे, फिर जैसे जैसे हम लोग सेंटर पे आते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ब्लूज को थोड़ा सा ज़्यादा दिखाऊंगा, क्योंकि ब्लू चटक ब्लू ना थोड़ा सा दिखने का अच्छा लगेगा, और उसके बाद सेंटर पे हम लोग जब आ जाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा रेड और थोड़ा सा पर्पल, ठीक है। तो यस, ये जो डब्बा है ना, इसको अपने साथ रख ले थोड़ा, ये मैं खुद से बात करूँगा इस तुमसे नहीं, ठीक है। तो यस, ये डब्बा जो है इसको मेरे को अपने साथ रखना चाहिए, बट मैं रख नहीं रहा हूँ। हम लोगों को ब्लू और मैजेंटा, रेड और मैजेंटा टाइप ही लग रहा है हाँ ये देखने में, तो ठीक है, पर्पल नहीं है ये, पर्पल तो बहुत डार्क हल्का है, मतलब पर्पल है सॉरी, ब्लू नहीं है ये, मैजेंटा टाइप इसको रख देंगे हम लोग। ओ भाई साहब, आराम से भाई, आराम से, थोड़ा लैंडिंग प्यार से कर लो थोड़ा, ठीक है। तो हम लोगों के स्टैचू के मैं ऐसे देख रहा हूँ स्टैचू, ठीक है, राइट साइड पे रेड है, और इस साइड पे थोड़ा सा पर्पल टाइप, नहीं इतना पर्पल तो कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है ना, ये ज़्यादा हो रहा है थोड़ा सा। एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा मैं ऑरेंज ही रखता हूँ फिर, हाँ थोड़ा ऑरेंज है, ऑरेंज बेटर जा रहा है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसके बाद आती है इससे बड़ी प्रॉब्लम, यस सर, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले तो यही यही शर्ट को हम लोग सेम टू सेम दोबारा से बना देंगे, ठीक है।
जैसे ये है इसको सेम टू सेम हम लोग ऐसे बना देंगे, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे करके ये हम लोग पूरी सेम टू सेम बनाएंगे। बट अब ये जो एरिया है ना, ये एरिया में बेल्ट है मेरे कमर के आसपास, ठीक है, मेरी स्किन जो बनाई थी ना जिस बंदे ने मेरे को, एक्चुअली एक सब्सक्राइबर ने गिफ्ट करी थी, जिनको पता नहीं मैंने अपनी स्किन खुद नहीं बनाई थी, मेरे को एक सब्सक्राइबर ने गिफ्ट करी थी जब मैंने स्टार्टिंग में माइनक्राफ्ट खेलना शुरू करता, उसमें मेरे को पता भी नहीं था कि स्किन बनती कैसे है, तो मेरे को आज भी उस बंदे का नाम नहीं पता जिसने मेरी स्किन बनाई थी। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी स्किन बनाने के लिए मेरे लिए, मैं मजाक भी नहीं करूंगा, इतनी खूबसूरत स्किन ना जो आज तक का मैं पहन के घूमता हूँ भाई, ये स्किन बनाने के लिए थैंक यू सो मच भाई। आर्मर उतार के दिखा नहीं सकता, फेंकना पड़ेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, लव यू यार ब्रो, ठीक है, सच्ची में मजाक से हट के बहुत ही बढ़िया स्किन है, मेरे को आज तक का पसंद आती, मेरे को कभी अपग्रेड करने की जरूरत भी नहीं लगी, लाइक मेरे को ऐसा नहीं फील हुआ कि नहीं यार आज अपग्रेड करते हैं भाई बेकार लग रही है, नहीं कभी नहीं हुआ ऐसा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो मैं ना थोड़ा सा इसमें हम लोगों को अब कलर्स चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो बेल्ट है वो थोड़ी सी लेदर बेल्ट टाइप की कुछ चीज़ है, तो हम लोगों को उसके हिसाब से रखना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा मैं ज़्यादा टेरिकॉटा यूज़ करना पसंद करूंगा, ठीक है, मेरे को पता है भाई ये बहुत डिटेल में हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों के साथ मैं इसको डिटेल में शेयर करूँ, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तक का आज तक अपनी कभी स्किन विन बनाई नहीं है और मेरे को ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा समझाते हुए बनाने में ना ज़्यादा ईज लग रही है, मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा भाई, मुझे थोड़ा सा ऐसा आसान लग रहा है थोड़ा सा समझाने में फॉर सम रीज़न, अब मुझे नहीं पता वो रीज़न क्यों है और क्या है, बट थोड़ा सा आसान लग रहा है, तो इसलिए प्लीज़ बेयर विद मी भाई, ठीक है, मैं थोड़ा समझा के इसी के लिए बना रहा हूँ साथ साथ में। चलो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे वाला रखा है, ठीक है, इसको येल्लो टू येल्लो कवर कर दिया हमने सेंटर वाले तक का, अब सेम टू सेम जैसी ये है वैसी तू रहना रहना, जैसी तू है वैसी ही रहना रहना, नहीं 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 चलो ये वाला कलर लगा हुआ है ना यहाँ पे ऐसे करके, और फिर वापस से ब्राउन, और फिर ब्राउन से ऐसे करके ये, अब हमें एक बार नीचे जाके देखना पड़ेगा इसको, ठीक है, कि ये दिख कैसा रहा है। यस सर, बेल्ट बढ़िया लग रही है, बट आई थिंक बेल्ट ना दो लेयर की होनी चाहिए, क्योंकि बेल्ट फिर बेल्ट जैसी नहीं लग रही है, हल्की सी लग रही है बहुत, ठीक है, तो बेल्ट दो लेयर की होगी तो आई थिंक बेटर लगेगी, तो मैं सेम टू सेम इसी को डबल कर दूंगा। गाइस वापस आते हैं अब नॉर्मल उस पर नॉर्मल टॉर्चो पे वापस से यहाँ पर आते हैं, तो हम लोग इसी चीज़ को, यही सेम कलर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, बट अब थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं इसको अभी ऐसा कर रहा हूँ, बट अब थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, अब हम लोगों को थोड़ा सा येल्लो ज़्यादा फैलाना पड़ेगा, कायदे से यहाँ पर ब्लू था राइट, रुको एक मिनट, थोड़ा सा पानी, हेलो पानी, ओ वाह पानी गायब है, ठीक है, तो देखो कायदे से यहाँ पर ब्लू था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्विस्ट है कि हम लोगों को ना ब्लू अब जो था वो थोड़ी देर के लिए सिर्फ दो ही लाइन ब्लू करनी है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ रहा है, अब वो शायद से थोड़ा सा गोल्डन पैटर्न वो ज़्यादा आ रहा है इसकी वजह से हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है मेरे को भी समझ में नहीं आया, बट यस यहाँ पर मेरी स्किन में थोड़ा सा चेंज है, तो हम लोग इसको ऐसे ही रखने वाले हैं जैसा कि ये चेंज दिखेगा भाई, ठीक है, तो दो की हाइट पर ऐसे, फिर वापस से ये येलो, फिर ऑरेंज, और उसके बाद आई थिंक सेंटर पे पूरा का पूरा रेडी है, ठीक है, तो यहाँ ये आई होप ये सेंटर ही है, रुको जरा मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि वो चार ना ब्लॉक परफेक्ट एकदम सेंटर पे आने चाहिए, ठीक है, तभी मेरी स्किन भाई ऑलरेडी थोड़ी सी मेरी स्किन जैसी लग रही है, व्हाट द हैक ब्रो, मैं कितना सही बना रहा हूँ इस चीज़ को यार, मतलब थोड़ा बहुत कभी कभार तो यार खुद को भी पैट ऑन द बैक करना पड़ता है ना, और मैं सबसे पहले तो अपना वो ले लेता हूँ इससे पहले कि पैट ऑन द बैक सही में बहुत ही ज़्यादा पैट हो जाए, ठीक है, इसको निकालते हैं, शुल्कर बॉक्स को रखते हैं, और उसके बाद शुल्कर बॉक्स में डाल देते हैं किसी चीज़ को, अभी के लिए मेरे को स्किन बनाने की जरूरत नहीं, तो मैं स्किन वाला रख रहा हूँ, ठीक है, स्किन कलर जो है, और अभी मैं क्या करने वाला हूँ ना गाइस, मैं अपना आर्मर भी उतारने वाला हूँ, तो यस मरने के चांसेस बढ़ने वाले हैं बट ठीक है, ओके मैं अपना आर्मर उतार देता हूँ, मतलब आर्मर बेसिकली मैं बस अपनी वो नहीं उतार रहा लाइटर, क्योंकि उससे थोड़ा नीचे उतरने में इजी हो जाता है, और ये सब हटा देता हूँ मैं, एमरल्ड एमरल्ड और इन टूल्स का भी जरूरत नहीं है, तो इनको भी हटा ही देता हूँ, ठीक है, चलो ओके तो अगर तुम लोग ध्यान दोगे ना, ये ऑलरेडी थोड़ी बहुत ही सही, बट ये मेरी स्किन जैसी लगनी स्टार्ट हो गई है, देख रहे हो भाई, ये लेजिट मेरी स्किन ही लग रही है अभी, बस मेरी स्किन थोड़ी ज़्यादा डल लग रही है इसके सामने, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है भाई, व्हाट द हैक, ये स्टैचू लिटरली मेरे को ऐसे लग रहा है कि बेटर लगने वाला है, बट ठीक है चलो भाई, सीधी सी बात है, अब मैं बनाऊंगा तो बेटर ही बनेगा ना यार, या ब्रो चलो ये क्या था, ओ भाई साहब हाफ आर्ट, ओके थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा गाइस ये सारा काम, ठीक है, थोड़ा सा इज्जत से करेंगे तो ही काम बन पाएगा गाइस, वरना फैलते बैठेंगे, और जिनको पता नहीं मैंने अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में मुश्किल से 2-3-4 बार मैक्स होगा जब मैं मराऊंगा, ठीक है, मैं उससे ज़्यादा नहीं मरा आज तक सर्वाइवल में, तो थोड़ा सा उस चीज़ की इज्जत करते हैं और उसको वैसे ही रहने देते हैं, ना कि ऐसे बेवकूफ़ों की तरह कूदते हैं, मैं खुद से बात कर रहा हूँ तुमसे
चलो गाइज अब बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी स्किन को थोड़ा सा और टाइडी, थोड़ा और टाइट, थोड़ा अच्छी सी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऐसे लाइट आ रहा है, फिर 1 2 ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे कैच कर रहा है लाइट वाला, और यहाँ पर एक डार्क आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो डार्क आया ना, रुको जरा, लाइट वाला कैच कर रहा है, एक डार्क आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों का दोबारा से वही वाला बटन आ रहा है जो कि हमारा येलो वाले वूल से बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे येलो वाला वूल डाल देंगे, ठीक है। मैं पूरा जैसी मेरी स्किन बनी हुई ट्राई कर रहा हूँ वैसे का वैसी बनाने का, बस उसके चक्कर में ऐसा ना हो कि हमारा टॉर्सो ज़्यादा ऊँचा या फिर छोटा है, ऐसे मतलब बॉन्टा सा ना लगे बंदा, ठीक है। बस वो भी हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा उस चीज़ का, ठीक है। तो ये हो गया, और ये आ जाएगा हमारा लास्ट बटन स्किन का, ठीक है। और उसके बाद ये, और अब एक्चुअली लाएगा लास्ट बटन, ठीक है। और उसके बाद बीच में हम लोगों का कैसे आ रखा है पता है, यहाँ पर थोड़ा हल्का सा चेंज लग रहा है मेरे को, बट आई डोंट थिंक सो मैं चेंज लेने वाला हूँ ये वाला, बट लेट्स सी, ठीक है। मेरे पास कौन कौन से कलर पड़े हैं उस पर डिपेंडेड है बहुत ज़्यादा। मेरे पास मजेंटा पड़ा हुआ है, राइट, मजेंटा वूल यहाँ पे यूज़ हो सकता है, यस लेट्स गो, ठीक है। इसको तोड़ते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर ऐसे मजेंटा डालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा खाना खा लेंगे बाय द वे इससे पहले कि, यस सर, मजेंटा इधर उधर हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो ये हो गया 2 रेड, ठीक है, या फिर 4 रेड एक्चुअली, ठीक है। और उसके बाद एक और मजेंटा, और फिर अपना येलो वूल आएगा, ठीक है। चलो येलो वूल आ गया, और लास्ट में अपना डार्क है, राइट, मैंने डाला ही नहीं है क्या, हाँ अभी के लिए मैंने इस वाले में डाला ही नहीं था। तो यहाँ पर अपना डार्क है, ठीक है, डार्क वाला वूल है, बढ़िया, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, बट ये काफ़ी ज़्यादा कूल लगेगा अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। ये हमारा पेट वाला एरिया बन रहा है अभी। चलो गाइस अब इसको मैं पूरा का पूरा पेट कंप्लीट करके, जैसा हम लोगों ने इस साइड करा है सेम टू सेम हम लोगों को इस साइड भी कॉपी करना है, तो इसको कंप्लीट करके मैं तुम लोगों से मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर, ठीक है। चलो लेट्स गो गाइस, यहाँ पर आएगा ब्लू, डार्क ब्लू, ओके, एंड विद दैट गाइज हम लोग का टॉर्सो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब सीधे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है सच्ची बताऊँ तो इस चीज़ में, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। तो अब हम लोगों को स्किन बनानी स्टार्ट करनी, बेसिकली मतलब हम फेस पे आ चुके हैं, ठीक है। तो फेस मैं देख रहा हूँ ना, माइनक्राफ्ट में थोड़ा सा आगे ही होता है, ठीक है, लाइक कैरेक्टर का फेस उसकी बॉडी से हल्का सा आगे होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको ऐसे फेस का लेके, जैसे कि व्हाइट टेरिकॉटा हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग इसको पहले तो पूरा, एक तो दिक्कत एक और है, माइनक्राफ्ट में जितना तुम्हारा कपड़ा होता है उतना ही तुम्हारा फेस होता है, मतलब बेसिकली तुम्हारी बॉडी, देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, जितनी तुम्हारी बॉडी है ना, ये देखो टॉर्सो से अलाइन होता है तुम्हारा फेस, जितने तुम्हारी ये है उतना ही तुम्हारा मुंह होता है। तो कहने का मतलब है हमें से एक्चुअली नहीं, थोड़ा सा तो कंधा, ओके, ये थोड़ा सा भाई, ये थोड़ा सा ये गलत हो रहा है जो भी है, ठीक है। तो फेस तुम्हारा उतना होता है जितना तुम्हारा टॉर्स होता है, फिर कंधे अलग से आते हैं, तो ये हमारा फेस इतना हो चुका है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखो फेस को इसको प्रॉपर बनाएंगे, तो हम लोग सबसे पहले 2 की हाइट ऐसे रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को आइज बनानी स्टार्ट करनी है, और अभी तो मेरी आंखों में जुल्फे भी आ रही, भाई मेरी स्किन इतनी ज़्यादा हार्ड कैसे बनाई है इस बंदे ने, भाई मजाक से हट के मेरी जुल्फे तक आ रही है भाई इस गेम के अंदर, पता तुम्हें, लाइक मतलब सॉरी उसके अंदर क्या कहते हैं, स्किन के अंदर मेरी जुल्फे तक आ रही है भाई, मेरे को देखना पड़ेगा। चलो अभी के लिए तो ये हो गया, अभी हम लोग यार ये के एमरल्ड लेके घूम रहा था मैं अपने साथ, चलो ठीक है इसको हटा दो, बस हो गया। अभी हम लोगों को अपनी आंखें बनानी स्टार्ट करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं बोलता हूँ कि हमारी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, ठीक है, सेंटर पे 3 छोड़ के, लाइक कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो 1 2, ठीक है, 2 इधर से और 2 इधर से, ठीक है, और सेंटर पे ब्लैक है, ठीक है। तो ब्लैक वाली भी निकालनी पड़ेगी, निकाली क्यों नहीं वो नहीं पता, मुझसे मत पूछो गाइस, सॉरी यार। हम लोग को ब्लैक वाला टेरिकॉटा भी निकालना पड़ेगा, अभी के लिए मैं ये ऊपर वाली पूरी लाइन साफ कर दूंगा भाई गुस्से में, हमारे पास कभी भी इन्वेंट्री में जगह नहीं हो रही है, पता कभी भी नहीं हो रही है। अभी हम लोगों को 2 ऐसे करके ब्लैक भी रखने हैं, ठीक है। तो एक मिनट, इससे तो मैं बहुत ज़्यादा ही समझ रहा ना, तुम गलत चीज़ लगूंगा, तो इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, आई डोंट थिंक सो, 2 2 की ज़्यादा कवाई आंखें भी नहीं बनानी है, ठीक है, हल्की हल्की कवाई ठीक लगेंगी आई गेस, इसको हटा दो, ठीक है। बीच में सेंटर पे 3 का छोड़ के, हाँ ये परफेक्ट है एकदम, ठीक है, सेंटर पे 3 का छोड़ के, सेंटर पे 4 छूटेंगे एक्चुअली, ठीक है। लेट्स सी अगर ये आंखें ठीक लगती हैं तो, आई होप ठीक लगे, बट आई डोंट नो ब्रो, क्योंकि मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है, मेरा मन था 2 2 की बनाने की, बट
वो थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाएगी शायद से। अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, अभी के लिए मैं इसको भर देता हूँ पहले, ठीक है, ताकि हम लोगों को एंड रिजल्ट सामने से जब हम देखें तो हमें दिख जाए, ठीक है, कि ये अच्छा लग रहा है या गंदा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है वो देख लेंगे हम लोग सामने से। और इसमें अभी ग्रे टेरिकॉट आ जाएगा हमारे बालों के लिए, ठीक है, अभी हमारे बाल आगे को भी आ रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा सा आगे को भी बनाना पड़ेगा, बट ठीक है, अभी के लिए मैं इसको इतना ही कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमारी आँखें वाँखें सब कुछ सही लग रहा है, क्योंकि देखो मुँह तो है नहीं हमारा, बट या हमारा मुंह थोड़ा सा छोटा लग यार भाई, और एक और उठाएंगे हम आंखों को, हमारी आंखें थोड़ी और लंबी बनाएंगे हम लोग, ठीक है, थोड़ी सी और लंबी बनाएंगे, जिससे हम लोग मे भी जोकर जैसे लगते हैं। एक काम करते हैं, मैं फेस को पूरा कंप्लीट करके तुम लोगों को दिखाता हूँ, सीधे हम लोग कंधे पे मिलेंगे, ठीक है, फेस कंप्लीट करके आता हूँ मैं। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने पूरा का पूरा बना दिया है, बट एक मिनट, मैं जस्ट दिखाने वाला था और उससे पहले ही रात हो गई है, तो हम लोग ऐसी पीछे जाने वाले, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाने नहीं वाला हूँ, ओके, ऐसे सोएंगे पहले, अब तुम्हें दिखाऊंगा मैं। मैंने एक्चुअल में पूरा ही कंप्लीट कर दिया भाई, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, मेरे को एक दो बार और जाके भाई टेरिकॉटा लेके आना पड़ा, ऑरेंज टेरिकॉटा बनाना पड़ा और बहुत सारी चीज़ें। तो चलो लेट्स गो, लेट्स सी दिस गाइस, तुम लोग बताना तुम लोगों को कैसा लग रहा है, तुम लोगों को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, सो लेट्स गो, 1 2 3 बूम, देयर वी गो गाइस, हम लोगों का जो पूरा का पूरा स्टैचू है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें थोड़ा बहुत मैंने गोल्ड का, रुको जरा एक मिनट, मैं अपना आर्मर उतार दूं, तो इसमें मैंने थोड़ा बहुत गोल्ड का टच भी है। एक मिनट, मेरी पैंट कहाँ है भाई, है? मेरी पैंट कहाँ है, ओके मुझे लगा कोई पैंट पतलून चोरी कर ले गया मेरी। ये देखो भाई कितना कूल लग रहा है, राइट। अब बस इसमें एक दो चीज़ों की चेंज है, लाइक मैंने थोड़ा बहुत इसमें गोल्ड टच दिया है विद क्या कहते हैं क्राउन एंड एवरीथिंग। बाकी तुम लोग बताओ मेरे को, क्या ये तुम्हें मज़ेदार लग रहा है, क्या ये तुम्हें मेरी स्किन से मिलता जुलता लग रहा है, जो अभी मेरी स्किन है अगर देखोगे तो, क्या ये तुमको मेरी स्किन से मिलता जुलता लग रहा है पीछे स्टैचू? भाई मेरे को तो बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है, बस एक चीज़ है, आई थिंक आँखें थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही हैं, बस एक चीज़ वही है अकॉर्डिंग टू मी, बाकी तो ये पूरी स्किन एकदम डिट्टो लग रही है भाई, जैसी यहाँ है वैसी वहाँ लग रही है, बस आँखों का मेरे को लग रहा है कि दो नीचे थे। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आँखें दो नीचे थी या फिर सही लेंथ है, एकदम परफेक्ट है। और बाकी हम लोग अपने स्टैचू में और क्या क्या चेंज कर सकते हैं वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, बट अभी के लिए तो मस्त लग रहा है मेरे हिसाब से, और काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा बन गया पता है लोगों को, तो दिखाओ ये देख रहे हो तुम लोग, मतलब हम लोग इसमें इलाइट्रा में उड़ के भाई, ये देख सकते हो तुम, समझ रहे हो ये कितना ज़्यादा बड़ा बन गया है भाई, कुछ ज़्यादा ही बड़ा यार इसके छत से। रुको जरा एक मिनट, अगर मैं इसके सर पे खड़ा हो जाऊँ, मतलब अपने ही सर पे खड़ा हो जाऊँ एक तरह से, तो मेरे को यहाँ से कासल हो गया, यहाँ से पूरा पोर्टल सब कुछ दूर दूर तक का म्यूजियम तक का दिख रहा है, समझ रहे हो, क्या कूल लग रहा है भाई, और दिखने का भी अच्छा लग रहा है भाई, सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है। तो कोई भी आएगा तो उनको पता रहेगा कि यहाँ का मेयर कौन है, मेयर फ्लिमटुम भाई, सभी लोग सल्यूट मारो मेयर फ्लिमटुम भाई को, फ्लिमटुम भाई सल्यूट टू यू ब्रो।